नहीं, ये कदम क्या उठाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली तो दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जिसमें एक पहला कदम तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फंडिंग है, बजटिंग है, उसमें बहुत सी रियायतें और बहुत सी स्वतंत्रताएं देने की बात की गई है। दूसरी बात, सिलेबस को भी उन्होंने इस आधार पर दिया है कि जब हम एक मोबाइल खरीदते हैं और हम उसको 6 महीने चलाते हैं, उसमें व्हाट्सएप के वर्जन 2 बार अपडेट हो जाते हैं 6 महीने में, तो एक शिक्षा में सिलेबस क्यों 60 साल तक परिवर्तित नहीं होना चाहिए। एक तो सिलेबस में भी कुछ स्थानीय स्तर की, अगर आपको लगता है, सपोज कोई यूनिवर्सिटी रायगढ़ में रन होती है और रायगढ़ में स्टील एंड आयरन ओर का या माइनिंग का सबसे ज़्यादा है, तो माइनिंग के वहाँ के रीजनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में एकोमोडेट कर, हम क्यों वेट करें कि हमें SCERT NCERT ही हमें गाइड करेगी, UGC हमें गाइड करेगी, तब हम जाकर के सिलेबस में चेंज करेंगे। ये 2 मेजर चीज़ें हैं। तीसरा, स्टाफ और अकाउंटेबिलिटी में कुछ पारदर्शिताओं की बात की गई है, रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ावा देने की बात की गई है, व्यापारिक उसमें एकोमोडेशन की बात की गई है, रिसर्च में जो है फील्ड के बात की गई है। ये 4 मेजर चीज़ें दिखती हैं। तो नहीं यार, समझ गया मैं, हो सकता है मैं उसी ऑर्डर में जवाब में भी, जी जैसे आपने बात कही कि सिलेबस को अपडेट करें, जी सिलेबस अपडेट जब भी हो सकता है जब ये एकेडमिक इंडस्ट्री के कांटेक्ट में है। जी हमारे यहाँ ओपनली इट इज अंडरस्टूड यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स दे स्पेंड 1/3 ऑफ द टाइम इन टीचिंग एंड लर्निंग, जी 1/3 ऑफ द टाइम इज डन इन रिसर्च जी फॉर विच दे हैव टू अप्लाई फॉर द ग्रांट्स। जी सो आई अप्लाई टू रिसर्च काउंसिल, रिसर्च अप्लाई टू टू एनी इंडस्ट्री एज वेल, एंड देन 1/3 टाइम दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इंडस्ट्री एंड दे अलाउ टू डू कंसल्टेंसी। नाउ एंड माई मेन सब्जेक्ट हैज बीन कंप्यूटर सिमुलेशन, बट आई हैव डन वेरी प्रोजेक्ट्स फॉर द लोकल वाटर अथॉरिटी। द वेस्ट कमिंग फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज फॉर्म ऑफ स्लरी एंड हाउ टू यूज दिस स्लरी एंड मेक ए यूजफुल प्रोडक्ट, दिस इज गिवन एज ए सॉर्ट ऑफ जॉब। सो इट इज इट गिव्स यू दैन इनसाइट। देर इज अ फेलियर टेकिंग प्लेस ऑफ ए डाइक और ए स्मॉल डैम, वी कैन एक्ट एज कंसल्टेंट एंड दैट वी गेन द एक्सपीरियंस एंड देन वी कैन ट्रांसफर टू द क्लास। जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इंडस्ट्री को कनेक्शन ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं तो है, वो तो कैसे रिवाइज करे। दूर से ही इमारत को देख रहा है कि एक चिमनी निकलती है उद्योग से, बाहर एक बड़ा सा गेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा है वो, अंदर तो जा जा नहीं रहा, स्ट्रक्चर देख नहीं रहा। हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एवरीथिंग, दैट थिंग्स आर चेंजिंग। अब उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कौन कंपनी क्या करती है, किताबों के जरिए एक सीमा तक ही देखी जा सकती है, व्यवहारिक तो जाना ही पड़ेगा। जो 1/3 जो है वो टाइम कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, कम्युनिकेशन, एंड यू शुड बी एक्टिव इन सोशल एज वेल, व्हाट यू आर डूइंग यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू द पब्लिक बिकॉज पब्लिक इज पेइंग यू। सो इट इज एटलीस्ट व्हेन पीपल बिकम सीनियर एंड दे कंट्रोल ए रिसर्च ग्रुप, दे आर सपोज टू एक्सप्लेन टू द जनरल पब्लिक इन अ लेमैन्स लैंग्वेज दैट व्हाट आर यू डूइंग, तभी आप सक्सेसफुल एक्सपर्ट हैं, तभी अगर आप बात कर पा रहे हैं। एक बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट वो कहते हैं कि भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है और मिडिल एजुकेशन सिस्टम है और हाई एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूल लेवल का है, ये सिस्टम्स ही इस काबिल नहीं है कि हायर एजुकेशन की आप बात कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और बहुत ब्रॉड है, लेकिन उसको उतनी गंभीरता से रन नहीं किया जाता, उसमें इतनी सिलेबस की इतनी वो है, बोर्ड्स की इतनी वैरायटी है, एक CBSE अलग होता है, एक स्टेट बोर्ड अलग होता है, एक ICSE अलग होता है, एक ICS अलग होता है, और कई एफिलिएशन ओपन ओपन स्कूल्स के नाम पर जोड़ दिए गए। इस तरह से उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। कर्नाटका का बच्चा ट्रांसफर होकर दिल्ली में जाता है तो उसको एकदम ऐसा लगता है, मैंने 9th तक 8th तक पढ़ा था, 11th में वहाँ पढ़ता है, तो उसको दूसरी ही चीज़ मिलती है करके। तो वो ये कहते हैं कि इतना मतलब डिफरेंस है आपके स्कूल में, पहले आप इसको सुधारिए, तब तो आप एजुकेशन का आप कितने से पढ़ा। तो क्या हर एक स्टेट के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स तो हैं एजुकेशन स्कूल के, स्टेट बोर्ड्स तो सभी में एक्सेप्ट दैट दे हैव द कंटेंट ऑफ द स्टेट लैंग्वेज बिल्कुल,
as far as physics, chemistry, mathematics and history and all वो, it should be the same. वो सेम है सेम, लेकिन फिर भी सब सारे टॉपिक सेम नहीं है, सारी चीज़ें सेम नहीं है. बेसिक चीज़ें सेम हो सकती हैं, पर चूंकि स्टेट बोर्ड का अपना सिलेबस है उसमें बहुत सी चीज़ों को स्टेट की, जैसे अब छत्तीसगढ़ को हम लोग एनालाइज कर रहे थे पिछले, तो छत्तीसगढ़ के स्टेट बोर्ड में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में, वो पढ़ाई CBSE 9th में पढ़ा चुका होता है, जो हम 11th में पढ़ा रहे हैं. तो 9th का बच्चा CBSE का भी उसी एज का है और स्टेट बोर्ड का भी उसी एज का है, लेकिन ये 2-1.5 साल का डिफरेंस हम किए हुए हैं. क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि स्टेट बोर्ड में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक रूरल और कंट्री बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी रफ्तार 8th के बाद आती है क्रैक पर. 8th तक तो वो 8th तक तो एग्ज़ाम भी नहीं है, 8th तक तो एग्जामिनेशन भी नहीं होते अभी फिलहाल में, तो बहुत ज़्यादा वो है नहीं, ड्रॉप आउट के चक्कर में एग्जाम्स ख़त्म कर दिए हैं. तो 8th तक का एजुकेशन तो एक तरह से मार्ट साहब के हाथ में है, वो टेबल पे बैठ करके आपको ओके ओके करते हैं. तो 9th में बच्चा आता है तब वो सीरियसली लेता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम 11th में पढ़ाएंगे अगर CBSE का, तो हमारे बच्चे तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को. ये डिफरेंसेस है, ये व्यवहारिक नॉट छत्तीसगढ़ सब जगह सारी स्टेट्स का यही मसला है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है पूरी तरह से उस पर जा रहे हैं डाउन इन फॉर्म. संजय जी भी इसको गवाह है, तो कॉलेज पर अभी दीमक जो स्कूल में लगी थी पिछले 20 साल से भारत के उसके सरकारी स्कूलों में दीमक लगी थी, तो पिछले 5 सालों से भारत के सरकारी कॉलेजों में दीमक लगना शुरू हुए, सरकारी विश्वविद्यालयों में दीमक लगना शुरू हुआ. अब आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही 4-4, 5-6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 6 प्राइवेट ऐसी यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की 1962 से चल रही यूनिवर्सिटी को टक्कर देती है, तो कई बार उससे आगे निकल जाती है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. देखिए सिलेबस जो है यूनिफाइड होना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सिलेबस मैंने बात की अपग्रेड करने की, वो हायर एजुकेशन वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तो आपके हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट होते हैं है ना, उसमें ये जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत ज़रूरी है कि देखिए एक जो हम बोलते हैं मोबिलिटी, दो तरह की मोबिलिटी है. हम एक मोबिलिटी बात करते हैं कि एक आदमी कर्नाटक में काम कर रहा है, उसका जॉब में ट्रांसफ़र हो गया राजस्थान, तो उसकी सिलेबस में इनकम्पैटिबिलिटी होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे. आदमी तीन बार सोचेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे. तो ये सोशल ये मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं, ये सभी सभी तरह आपको वो करेंगे, डैमेज करेंगे हर जगह पर. और दूसरी हम लोग को देखना है ये जो एक हम दूसरी चीज बोलते हैं तो सोशल मोबिलिटी, तो कंट्री के आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है नहीं. वैसे एक कैटेगरी है जो कि आप रफ टर्म्स में ए बोलते हैं, बी सी वन सी टू, तो वर्किंग क्लास इज दे सी टू सी थ्री टाइप, एंड देन यू गो टू पीपल हु आर वेरी रिच एंड ऑल दैट फ्रॉम आर्थिक जो विभाजन है, आर्थिक विभाजन है वो तो हर कंट्री में है, पुअर और रिच का तो विभाजन है ही. तो वो ये स्टडी करते हैं कि एक बच्चा जो सी थ्री या सी टू का है, वेदर ही कैन रीच ए टॉप क्लास यूनिवर्सिटी और नॉट, इसकी अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती. तो एक तो यूनिफॉर्मिटी सो जाए कंट्री में, पीपल कैन मूव अराउंड, अदरवाइज सब कोई बोलेंगे हम तो दिल्ली में रहेंगे तो यहाँ अच्छी एजुकेशन है और हम वहाँ जाएंगे तो नहीं होगा, तो जब सिलेबस वही रहेगा तो आपकी यूनिफॉर्म मोबिलिटी है. और दूसरा ये है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो पूरा बैकग्राउंड उनको एनकरेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप.